वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वीडियो का अंडर वाटर कंक्रीटिंग। तो जैसे कि पहले मैंने अपनी वीडियोस में हॉट वेदर भी दिखा दी और कोल्ड वेदर भी दिखा दी, तो वैसे ही एक ना अंडर वाटर कंक्रीटिंग भी होता है। ये थोड़ा सा उनसे अलग होता है क्योंकि ये पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमेशा कम होता है, सॉरी ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग में ना कुछ मेथड्स यूज होते हैं, इसमें कोई फैक्ट्स और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस नहीं होती, सिर्फ इसमें 3 से 4 स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग में आपको हेल्प करेंगे ये स्टेप्स। तो आज का अपना टॉपिक है अंडर वाटर कंक्रीटिंग, तो हम शुरू करते हैं। देखो अंडर वाटर कंक्रीटिंग सबसे पहले होता क्या, हम वो पढ़ लेते हैं। स्पेशल प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन वेन एवर द कंक्रीट इज टू बी प्लेस अंडर वाटर। हमें पता है कि प्रिकॉशन हमें चाहिए चाहिए अंडर वाटर में जब हमने कंक्रीट करना है। इन रिगार्ड टू दिस क्वालिटी ऑफ कंक्रीट द रिकमेंडेशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट एसोसिएशन आर एस फॉलोस। मतलब ये देखो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ये पूरा टॉपिक मतलब ये पैराग्राफ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। ये मैं फटाफट जल्दी से पढ़ देता हूँ, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो इसके आगे से शुरू होगा। तो हम करते हैं शुरू जल्दी से। द कंक्रीट शुड बी प्लास्टिक एंड कोहेसिव बट शुड हैव गुड फ्लोबिलिटी। ये पता है हमें फ्लोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए अंडर वाटर में। दिस रिक्वायर्स अ फेयरली हाई स्लंप, फेयरली हाई स्लंप चाहिए, यूजली 150 mm to 180 mm। रिचर मिक्स देन जनरली यूज फॉर प्लेसिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन इज रिक्वायर्ड। यूजली द सीमेंट रिक्वायरमेंट इज नॉट लेस देन द 8 sacks per cubic meter ऑफ कंक्रीट। ये मैं फटाफट आपको पढ़ रहा हूँ, देखो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं इसे। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट शुड बी एडजस्टेड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड वर्केबिलिटी। वो तो हर एक में करना पड़ता है कि प्रोपोर्शन अच्छे से लेनी चाहिए फाइन और कोर्स की। विद अ समवट हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स देन यूज फॉर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज़ अलग है कि बस हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स होना चाहिए जो कि हम नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा लें। द फाइन एग्रीगेट प्रोपोर्शन कैन ऑफन बी फ्रॉम 45% to 50% ऑफ द टोटल एग्रीगेट डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडिंग। ग्रेड पर सब डिपेंड करता है। ग्रेड यहाँ पर ग्रेडिंग किसकी, कंक्रीट की, सीमेंट की, सॉरी सीमेंट की ग्रेडिंग M20 है, M25, M30 जो भी है उसके पर डिपेंड करता है। द फाइन एग्रीगेट शुड मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड समवट हायर परसेंटेज ऑफ फाइंस वुड बी बेटर इन मैनी केसेस। मतलब कि फाइन एग्रीगेट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होने चाहिए, वो पूरे करते होने चाहिए तभी फायदा, क्योंकि इसमें फाइन एग्रीगेट्स का ज़्यादा अच्छा रोल है। फॉर मोस्ट वर्क्स कोर्स एग्रीगेट शुड बी ग्रेडेड अप टू 20 mm और 40 mm। मतलब 20 mm या फिर 40 mm की हमें कोर्स एग्रीगेट्स लेने होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें बताया हुआ था, देखो ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी चलो एक बार आपको बता दें, इंट्रोडक्शन सी होगी अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं आगे हमारा सबसे मेन। देखो ये अब मेथड्स आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ट्रीमी मेथड। देखो ट्रीमी मेथड सब हर कहीं पूछा जाता है, जैसे ही आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में करते हो तो अंडर वाटर में ट्रीमी मेथड पूछा जाएगा। ये आपके एग्जाम्स में, गेट एग्जाम्स में हर कहीं पूछा जाता है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वैसे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में आएगा जो आप कॉलेज में दे रहे हो। तो वैसे ये देखो ये जो सारा मैंने थ्योरी लिखी हो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि ये थ्योरी गलत है। ये थ्योरी लिखोगे आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, डायग्राम बनाओगे फिर भी मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखो ट्रीमी मेथड क्या होता है, ट्रीमी इज अ वाटर टाइट पाइप जनरली 250 mm डायमीटर, ये याद कर लो 250 mm डायमीटर, हैविंग अ फनल शेप्ड हॉपर एट इट्स अपर एंड एंड अ लूज प्लग एट द बॉटम। ठीक है ना, ये मतलब यहाँ पे लूज प्लग है, मतलब यहाँ पे खुली हुई है और एक हॉपर एंड है, हॉपर यहाँ पे एक है, हॉपर अपर एंड, लूज प्लग एट द बॉटम और डिस्चार्ज एंड, वही है कि खाली है बस यहाँ पे, मतलब होलो होगा यहाँ से आर पर, आप देख सकते हो। द वॉल्व एट द डिस्चार्ज एंड इज यूज टू डी वाटर द ट्रीमी एंड कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंक्रीट। जो वॉल्व है हमारा एट द डिस्चार्ज एंड वो हमारे डी वाटर करता है। द ट्रीमी सपोर्टेड ऑन अ वर्किंग प्लेटफॉर्म अबव वाटर लेवल, मतलब ये हमेशा इसे वाटर लेवल समझो, यहाँ पे कुछ नीचे है तो हमेशा देखो ट्रीमी मेथड हमेशा ऊपर काम करेगा, कभी भी पूरा ये चीज़ पूरी उसमें नहीं जा सकती पानी में, मतलब ये ऊपर ही रहेगी सरफेस से पानी के, अबव वाटर लेवल। एंड टू फैसिलेट द प्लेसिंग इट इज बिल्ट अप टू इन 1 to 3.5 meter sections, मतलब 1 to 3.5 meter sections तक ये होता है। ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग एयर एंड वाटर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रीमी बाई कीपिंग द पाइप फुल ऑफ कंक्रीट ऑल द टाइम। मतलब कि इसमें बस कंक्रीट होता ही जाए, मतलब कम नहीं होना चाहिए, अगर जैसे कम होगा देखो एयर आ जाएगी या फिर पानी आ जाएगा नीचे से तो वो हमारा सारे कंक्रीटिंग खराब कर देगा। एंड फॉर दिस रीजन कैपेसिटी ऑफ द होपर शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू डेट ऑफ द ट्रीमी पाइप। ये होपर का भी आपको आएगा, यही होपर होता है, मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम दिखाऊंगा, इस डायग्राम में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये थोड़ा सा इसका वो पूरा मेथड लिखा हुआ है।
तो हम ये करते हैं, एज द होपर इज फिल्ड विद द प्रेशर ऑफ फ्रेश कंक्रीट फोर्सेस द प्लग डाउन द पाइप एंड द वाटर इन द ट्रिम इज डिस्प्लेस्ड बाय द कंक्रीट। वो ये कि नीचे से समझो यहाँ पे कोई प्लग सा लगा हुआ है, यहाँ पे इस डायग्राम में होगा देखो लूज प्लग है, यहाँ से पानी तो निकल जाएगा और कंक्रीट भी निकल जाएगा जिससे कंक्रीट हो जाता है। अब देखो तीन, ये थोड़ा सा ना मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। देखो 900 mm टॉल ट्रीमी सेक्शन, ये 900 mm टॉल ट्रीमी सेक्शन है, ये स्प्रेडर बार है, ये इसके अंदर लगता है जो कि स्प्रेड करता जाता है कंक्रीट को। और ये देखो जो ये वाली चेन से थी वो इसमें से लग गया, अच्छे से हॉपर हो गया। तो ये वो ये ट्रीमी पाइप ओवर मैन होल, देखो मैन होल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो भी अंडर वाटर ही हुई। नीचे गटर में अगर आप कोई कंक्रीटिंग कर रहे हो तो वो भी अंडर वाटर ही हुई। तो हम आगे करते हैं, फॉर कंक्रीटिंग द ट्रीमी पाइप इज लोअर्ड इन टू पोजिशन एंड द डिस्चार्ज एंड इज कैप्ट एज डीपली सबमर्ज बीनीथ द सर्फेस ऑफ फ्रेशली प्लेस कंक्रीट एज द हेड ऑफ कंक्रीट इन ट्रीमी परमिट्स। देखो मतलब कि देखो ये जैसे ये फॉर्म वर्क हुआ हुआ है, जैसे समझो हमें एक फाउंडेशन ले करनी है अंडर वाटर, तो ये जैसे फॉर्म वर्क इधर भी है समझो इधर भी है, ठीक है ना। और इसमें क्या बताया कि पोजीशन एंड द डिस्चार्ज एंड इज कैप्ट एज डीपली सबमर्ज बीनीथ द सर्फेस ऑफ फ्रेशली प्लेस कंक्रीट, मतलब कि देखो जैसे कंक्रीट है ना तो इसके ऊपर ऊपर रहना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें भी अंदर आ गया, वैसे नहीं इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और कम होना चाहिए ताकि मतलब कि फ्रेशली कंक्रीट डलता भी रहे और ये पाइप खुद भी अंदर जम ना जाए वो भी, और अच्छे से प्लेस होता जाए। तो ये पाइप हमेशा बीनीथ द सर्फेस मतलब पास पास होनी चाहिए सीमेंट की, जैसे जैसे भरता जा रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाओ। एज कंक्रीटिंग प्रोसीड द पाइप इज रेस लाइटली एंड द कंक्रीट फ्लोस आउटवर्ड, वही मैंने आपको बताया कि हल्के से ऊपर ऊपर करते जाओ जैसे जैसे कंक्रीट अंदर जा रहा है, ताकि ये इसमें गड़ी ना रह जाए ये बाहर ही रहे। केयर शुड बी टेकन टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ कंक्रीटिंग विदाउट ब्रेकिंग द सील प्रोवाइडेड बाय द कंक्रीट कवर ओवर द डिस्चार्ज एंड। देखो यहाँ पे ना मतलब कि इन्होंने ये चीज बताई है इसमें यहाँ से लेके यहाँ पे कि अच्छे से केयर करना है कि कोई भी ना कंटिन्यूटी जो हमारी हो रही होगी ना वो ब्रेक ना हो, जैसे कंटिन्यूटी ब्रेक होगी एयर आ जाएगी या तो पानी आ जाएगा तो सारा कुछ खराब कर देगा, वो सारी कंक्रीटिंग बेकार हो जाएगी, आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। तो वो अच्छे से केयर शुड भी टेकन होना चाहिए, मतलब कि अच्छे से पूरा अच्छे से केयर करनी है। इफ दिस सील इज ब्रोकन द ट्रीमी शुड बी लिफ्टेड प्लग्ड बिफोर कंक्रीटिंग इज रिकमेंडेड। देखो अगर तो ये सील ब्रोकन हो गई तो दोबारा से उठाओ, दोबारा से उसे प्लग करो, फिर दोबारा से उसको प्लेस करो ताकि वो दोबारा से सेम मेथड से दोबारा शुरू हो जाए, ताकि अंदर पानी है वो ना आए। अब आगे, द ट्रीमी शुड नेवर बी मूव्ड लेटरली थ्रू फ्रेशली प्लेस कंक्रीट, मतलब कि वो ऐसे हिलनी नहीं चाहिए फ्रेशली कंक्रीट, इट शुड बी लिफ्टेड वर्टिकल, देख रहे हो ना यहाँ क्या लिखा हुआ, इट शुड बी लिफ्टेड वर्टिकल अबव द सर्फेस ऑफ कंक्रीट एंड शिफ्टेड टू इट्स न्यू पोजिशन। वो ये कि मतलब ऐसे ऐसे हिलनी नहीं चाहिए देखो फ्रेशली कंक्रीट में, या तो ऐसे ऐसे उठाओ ऐसे यहाँ से ये चीज यहाँ पे लेके आओ, फिर यहाँ पे प्लेस करो ये पूरी पाइप, फिर करो। तो ये था फॉर्म वर्क के अंदर होएगा सारा। तो ये था हमारे ट्रीमी मेथड का पूरा कंसेप्ट, देखो ये इतना है, ये आप पूरा अगर ये लिख दोगे ना ये इन्फॉर्मेशन पॉज करके आप अच्छे से वीडियो में नोट कर सकते हैं अपने कोई भी कॉपी वगैरह में। और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीमी मेथड का, आपको आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और उसमें आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, और ये जो जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है और ये लिख सकते हो। तो ये तो था पूरा एक जनरल ट्रीमी मेथड, तो ये अच्छे से आपको ट्रीमी मेथड मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो दो बार वीडियो एक बार और देख लेना, दो बार देखना, तीन बार देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आराम से पढ़ना ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो पॉज करके। अब अगला देखो आता है हमारा डंप बकेट प्लेसिंग, देखो तीन चार चीज़ें ही आती है देखो इसमें। तो अब आता है हमारा डंप बकेट प्लेसिंग मेथड में, दिस मेथड हैज़ द एडवांटेज दैट कंक्रीटिंग कैन बी कैरीड आउट एट कंसिडरेबल डेप्थ, मतलब कि ये कंसिडरेबल डेप्थ मतलब कि ज़्यादा डेप्थ भी हो सकता है कम डेप्थ पे भी हो सकता है, इस मेथड का सी एडवांटेज है। द डंप बकेट्स आर यूजली फिटेड विद ड्रॉप बॉटम और बॉटम रोलर गेट्स विच ओपन फ्रीली आउटवर्ड व्हेन ट्रिप्ड। देखो ये अगर मैं आपको समझाऊँ ना वो आपको यहाँ समझ आएगा, ये देखो ये दरवाज़ा, ये पूरा गेट्स लगे हुए ड्रॉप बॉटम गेट्स ये है ना, तो रोलर से ऐसे नीचे हो जाते हैं, वो आपको भी समझाता हूँ, पहले आप थोड़ा सा ये पढ़ लो। द बकेट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद कंक्रीट एंड इट टॉप कवर्ड विद कैनवस क्लॉथ और गनी सैक टू प्रिवेंट द डिस्टर्बेंस ऑफ कंक्रीट एज द बकेट इज लोडेड इन टू वाटर। देखो ये पूरी ऐसे बकेट होती है, देखो जो लाइव एक्चुअल होती है, यहाँ से क्रेन होती है, ये ऐसे क्रेन ने हुक से ऐसे करा होता है तो वो अच्छे से नीचे जाती है। अब मैं थोड़ा इसे समझाता हूँ, इन्होंने देखो ये यहाँ पे ना अच्छे से पूरा अच्छे से देखो गनी बैग वगैरह करा कि कंक्रीट हिले ना कुछ ना होए, पूरे इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और ये हमारे वो ड्रॉप बॉटम गेट्स है रोलर के, देखो यहाँ पे रोलर गेट्स है ताकि ये जैसे हम इसको खींचे कोई भी जो भी हम अपना वो मैकेनिज्म कर रहे हैं तो अगर हम खींचे तो कंक्रीट एकदम ऐसे गिर जाए रोलर से और एकदम बंद हो जाए। तो ये चीज़ होती है इसमें। अब आगे देखते हैं,
The bucket is lowered by a crane up to the bottom surface of concrete. ये मैंने आपको बता दिया कि क्रेन से नीचे जाता है. And then opened either by divers or by a suitable arrangement from the top. देखो अगर मैं इसमें दिखाऊँ या तो ये divers नीचे जाके यहाँ पे कोई lever वगैरह खींच दे, है ना, ट्रिपिंग लॉक ऑन चेन. देखो ये या तो ये वाला पीछे, ये थोड़ा सामने को है, ये अंदर नहीं है उसके, या तो ये इसको आप खींच दे हैं डाइवर, या फिर जाके आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि आप ऊपर बैठे बैठे या खड़े खड़े कुछ भी करें ताकि जिससे एकदम ये गेट खुल जाए जब ये पूरा नीचे आ गया. तो वही इसमें दिखाया है. इट इज एसेंशियल दैट कंक्रीट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली अगेंस्ट द सरफेस ऑन विच इज टू बी डिपॉजिट. ये तो है ही है, तो आपको पता ही है कि जहाँ पे भी कंक्रीट हमें करना तो वहीं पे एकदम से जाके गिरे, ये नहीं कि इधर उधर कर दे. तो ये ऐसे हिलने वाला चीज नहीं है. अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बकेट विच परमिट्स द फ्रेश कंक्रीट टू ड्रॉप थ्रू वाटर. अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बकेट विच परमिट्स वाटर मस्ट बी अवॉइडेड. ठीक है ना, ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं थी. अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बकेट मतलब कि जो हमारा अर्ली डिस्चार्ज है कि जैसे अभी पहुंची भी नीचे, ये पैर इसके लगे भी नहीं और पहले डिस्चार्ज कर दिया, तो वो अवॉइड कर दे क्योंकि वो ड्रॉप थ्रू वाटर होना ना, तो वाटर आ जाएगा उसमें. ठीक है ना. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द बकेट मेथड इज द डिफिकल्टी इन कीपिंग द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेस कंक्रीट रीजनेबल लेवल. इसमें क्या होता है, जैसे ये लेवल नहीं हो सकता. देखो ये ऐसे ऐसे गोल सा ही रहेगा, है ना, जब ऐसे गिरेगा तो ऐसे ऐसे हाइप सी बन जाएगी, है ना, ये ऐसे सा बन जाएगा, है ना, अच्छे स्प्रेड नहीं होगा. तो बस वही इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है डंप बकेट प्लेसिंग में. तो ये था हमारा डंप बकेट प्लेसिंग, ये भी मुझे लगता है अच्छे से समझा. देखो ट्रीमी मेथड और डंप बकेट प्लेसिंग, डंप बकेट प्लेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो, ये तो आपसे पूछे ही पूछे जाने, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना. अब आगे थोड़े से एक दो थोड़े सिंपल से है, अभी हम वो करते हैं. देखो प्लेसिंग इन बैग्स, प्लेसिंग इन बैग्स से देखो आपको क्या मतलब आता है कि मतलब ये कंक्रीट आपको कोई बैग वगैरह में डाल के आपको प्लेस करना. देखो मैं अगर मैं डायग्राम दिखाऊँ, ये देखो डाइवर्स कैसे लगे हुए, ये देखो कंक्रीट ऐसे बैग्स में प्लेस्ड है और अच्छे से ऐसे ऐसे लगा रहे ताकि फाउंडेशन या कुछ भी लेड हो जाए. देखो ऊपर से थोड़ी सी टेपिंग वगैरह के लिए अच्छे से ये, तो ये तो देखो डायग्राम से मैंने आपको सिंपल दिखाई दिया कि कैसे ये हो जाता है. अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी बढ़ते हैं. देखो दिस मेथड कंसिस्ट इन पार्शली फिलिंग ऑफ क्लॉथ और गनी सैक्स विद कंक्रीट एंड टाइंग देम इन सच अ वे दैट दे कैन रेडली बी अकोमोडेटेड इन अ प्रोफाइल ऑफ द सरफेस ऑन विच दे आर प्लेस्ड. ये मैंने आपको बता दिया कि गनी सैक्स या फिर क्लॉथ के कंक्रीट में उसमें डाल लो और फिर अच्छे से अकोमोडेट करो कि वो प्रोफाइल पे अच्छे से प्लेस हो जाए. मतलब कि जैसे रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, ठीक है ना, कुछ ऐसी शेप बनाओ ताकि वो अच्छे से लेवल हो सके और अच्छे से प्रोफाइल उठा पाए सरफेस की. देखो जो भी मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ना, वो सब डायग्राम से समझा रहा होता है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. जैसे आप स्कूल में स्मार्ट क्लास में नहीं होते, बस समझो वैसे ही आप पढ़ रहे हो, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा नेट लग रहा है और एक आपको सब्सक्राइब करना चैनल. तो अच्छे से आप याद रखना कि सिविल इनसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो हम आगे करते हैं. द प्रॉपरली फिल्ड बैग्स आर लोअर्ड इन टू वाटर एंड प्लेस केयरफुल इन अ हेडर एंड स्ट्रेचर फैशन एज इन ब्रिक मसूनरी कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ डाइवर. देखो ब्रिक मसूनरी आपने पढ़ा होगा, ब्रिक मसूनरी पे भी अगर आप कमेंट्स करोगे कि वीडियो बना दो तो मैं टाइप्स ऑफ ब्रिक मसूनरी आपको सब दिखा दूंगा कैसे कैसे मैथड होता है. ये हेडर और स्ट्रेचर एक फैशन मतलब मैथड होता है. हेडर में हेड बार को आता है, स्ट्रेचर में स्ट्रेचर बार को आता है. ये स्ट्रेचर होता है, वो हेड होता है. तो सारे इसमें ब्रिक मशीनरी में होता है. तो उसकी वैसे हम तरीके से हम ये प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं फील्ड बैग्स. जैसे आप देख सकते हैं ये हेडर मेथड में हुआ हो, देखो ठीक है ना, वैसे भी स्क्वायर थे तो सारे ये हेडर्स रहेंगे. दिस मेथड हैज एडवांटेज इन दैट इन मेनी केसेस नो फॉर्म वर्क इज नेसेसरी एंड कम्पलीटली लीन मिक्सिस में बी यूज प्रोवाइडेड सफिशिएंटली प्लास्टिसिटी इज रिटेन्ड. इसमें क्या बताया हुआ है, देखो कि हमें यहाँ पे कोई फॉर्म वर्क तो नहीं यूज़ हुआ ना, यहाँ पे चलो थोड़ा सा यूज़ हुआ है, यहाँ पे तो नहीं कोई यूज़ हुआ ना, फॉर्म वर्क सिंपली प्लेस कर दिया ना. तो वो ये कि इस मेथड में बस एक ही एडवांटेज है कि ये आपको फॉर्म वर्क नहीं चाहिए, मतलब फॉर्म वर्क का आपका थोड़ा सा वर्कएबिलिटी वगैरह कम हो जाती है. ऑन द अदर हैंड एज एक्यूरेट पोजिशन ऑफ द बैग्स इज इन प्लेस कैन बी ओनली अकम्प्लिश्ड बाय द डाइवर्स द वर्क इज कंसिक्वेंटली स्लो एंड लेबरियस. वो तो है ही कि ये तो स्लो हो गया कि लेबर वगैरह लगेगी, वो सब होगा. वॉइड बिटवीन एडजेसेंट बैग्स आर डिफिकल्ट टू फिल. There is little bonding other than that achieved by mechanical interlock between bags. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो बैग्स हमारे प्लेस होते हैं वो इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है ना, थोड़ी मोटी होती है. देयर इज अ लिटिल बॉन्डिंग, हल्की फुल्की बॉन्डिंग हो जाती है, चलो पानी या सीमेंट की वजह से जो हो सकता है. वैसे तो ज़्यादातर अचीव बाय मैकेनिकल इंटरलॉक ही होता है जो भी हम हेडर या स्ट्रेचर में डालते हैं. द बैग्स एंड लेबर नेसेसरी टू फिल एंड टाई देम आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव. वो तो है ही कि जो बैग्स हम जिसमें कंक्रीट डाल रहे हैं, लेबर और नेसेसरी टू फिल एंड और जो टाई है, जो हम टाई करेंगे, देखो इसमें देखोगे तो पता नहीं कौन सी मशीन आपने इसमें यूज़ करी हुई, क्या टाई कैसे कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी महंगी है.
एंड द मेथड इज ओनली सुटेड फॉर प्लेसिंग द कंक्रीट इन रेदर शैलो वाटर रिलेटेड इन शैलो वाटर. शैलो वाटर मतलब कि जो ऐसे दिख जाता है अच्छे से, मतलब कोई ये खारा पानी टाइप नहीं या फिर कोई गंदा पानी नहीं, शैलो वाटर सिंपल पानी, इसमें अच्छे से हो जाते हैं. ओनली सुटेड फॉर प्लेसिंग, जिसमें अच्छे से डाइवर्ट जा सकते हैं और कर सकते हैं प्लेसिंग, अंदर आपको ज़्यादा लाइट वगैरह की जरूरत नहीं होगी. अब हम आते हैं, देखो ये हमारा हो गया प्लेसिंग इन बैग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो अंडर वाटर कंक्रीटिंग का क्वेश्चन आएगा और उसमें शायद सिर्फ ट्रीमी मेथड पूछ सकते हैं या फिर बकेट डम बकेट प्लेसिंग, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करो पूरा, तो आपको ये चार मेथड तो लिखने लिखने हैं. तो प्लेसिंग इन बैग्स भी हो गया. अब हम नेक्स्ट करते हैं प्री पैक कंक्रीट. अब प्री पैक कंक्रीट क्या होता है? दिस टेक्निक ऑल्सो कॉल्ड ग्राउटेड कंक्रीट, ग्राउटेड कंक्रीट कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग द कोर्स एग्रीगेट्स ओनली इन द फॉर्म देन थ्रूली कंपैक्टेड टू फॉर्म अ प्री पैक्ड मास. अब इसका क्या मतलब है? देखो मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ. देखो अगर आप देखोगे कि आपने फॉर्म वर्क कर दिया है ना, फॉर्म वर्क कर दिया, हल्के से आपने कोर्स एग्रीगेट्स वगैरह डाल दिया, फाइन एग्रीगेट्स डाल दिया, लेकिन अभी सिर्फ सीमेंट नहीं डाला, तो हमारा सीमेंट का मोर्टार होएगा, मतलब जो हमारा सीमेंट मिक्स होएगा, वो आप इंजेक्शन थ्रू या जैसे भी आप उसमें डालोगे तो उसे हम ग्राउटिंग कहते हैं. तो वही हमारा इसमें होता है प्री पैक्ड कंक्रीट, मतलब ये सब कुछ पहले से प्लेस कर दिया, प्री पैक्ड हो गया, बस ऊपर से सिर्फ कंक्रीट डाला और खत्म. देखो दिस मास इज देन ग्राउटेड विद द सीमेंट मोर्टार. देखो वही है ना कि सारा कुछ तो आपने डाल दिया, कोर्स एग्रीगेट्स वगैरह डाल दिया, सब प्री पैक कर दिए, लेकिन सिर्फ दिस मास इज देन ग्राउटेड विद सीमेंट मोर्टार ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, बस सिर्फ सीमेंट आ गया, तो आप इंजेक्शन थ्रू या पाइप थ्रू, जैसे जैसे आपने अगर देखा होगा, देखो इंडिया में वैसे तो हिंदी बना रहा हूँ तो इंडिया में ही देखोगे आप सारे वीडियो, बाकी जहीं भी इंडिया पाकिस्तान जहीं भी आप वीडियो देख रहे हो, तो देखो जब भी हम हाईवे वगैरह देखते हैं जो बनते हैं ना, अगर आपने नोटिस करा होगा कभी हाईवे बनता देखा होगा, तो उसकी फाउंडेशन और लेड होते हैं, देखो वो कुछ ऐसे प्लेस्ड होते हैं, देखो तो उनमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ना सारा फॉर्म वर्क हुआ होता है, ये सारा ना ऐसे फॉर्म वर्क हुआ होता है, ठीक है ना, ये ऐसे सारा फॉर्म वर्क हुआ हुआ, तो ये ग्राउटिंग करते हैं, यहाँ से ऐसे ग्राउटिंग भी करते हैं या फिर सीमेंट स्प्रेड करते हैं मशीन और उससे सीमेंट मिक्सर से, या फिर ग्राउटिंग भी करते हैं, तो वो मोस्टली इसमें यूज होता है ग्राउटिंग. देखो अब आगे बढ़ते हैं, द एग्रीगेट शुड बी वेटेड बिफोर बीइंग प्लेस इन पोजीशन. देखो वेटेड किस लिए कहा है? क्योंकि सीमेंट थोड़ा फ्लोबिलिटी पकड़ ले एग्रीगेट्स पे, वो ऊपर से ही नहीं रह जाए, अगर थोड़े से वेट है एग्रीगेट तो वो नीचे को जाता रहेगा. द मोर्टार दैट ग्राउट्स द कंक्रीट डिस्प्लेसेस वाटर एंड फिल्स द वॉइड. वही है मैंने आपको बताया कि वो वाटर को तो डिस्प्लेस करता है, नीचे जाता है और फिल करता है वॉइड्स को. द एग्रीगेट शुड बी वेल ग्रेडेड टू प्रोड्यूस अ डेंस एंड कॉम्पैक्ट कंक्रीट, ठीक है ना. एग्रीगेट्स अप टू मैक्सिमम साइज ऑफ 80 mm कैन बी कन्वीनियंटली यूज, मतलब कि मैक्सिमम साइज सिर्फ 80 mm का होना चाहिए जो हमारे कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब ये जो हमारे सारे एग्रीगेट्स है, देखो ये सारे एग्रीगेट्स है, ये बीच में एक हमारी इंजेक्शन पाइप जा रही है, इंजेक्शन ट्यूब, तो आप डायग्राम में अच्छे से दे सकते हैं. तो देखो कोर्स एग्रीगेट प्लेस ड्राई, ये सारे ड्राई इसमें डाल दिए, लेकिन ये वेट है, ड्राई नहीं, पहले ड्राई होते थे, अब से वेट यूज होते हैं, सारे वेट होंगे. फॉल देखो अब यहाँ पे वॉल फॉर्म वर्क विद रैंकिंग स्पोर्ट्स रैकाइंग स्पोर्ट्स, देखो ये सारे फॉर्म वर्क हुआ हुआ है, देखो एग्जिस्टिंग रिटेनिंग वॉल, ये तो वॉल है ही है जो है. तो ये था हमारा पूरा ग्राउट, ये प्री पैक कंक्रीट का मतलब. और आगे करते हैं, ओनली शटर वाइब्रेटर कैन बी यूज फॉर कंपैक्टिंग द कोर्स एग्रीगेट. शटर वाइब्रेटर यहाँ पे यूज हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्के होते हैं शटर वाइब्रेटर, तो वो यूज हो सकते हैं. द कोर्स एग्रीगेट्स में ऑल्सो बी अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स ऑफ अप टू 4 meters विदाउट कॉजिंग एनी अप्रिसिएबल सीग्रेशन, मतलब कि 4 meters की ऊपर से तो आप गिर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम ये 4 meters हो सकता है हाइट इसकी कोर्स एग्रीगेट्स की, जैसे सबसे ये देखो यहाँ से सबसे जो नीचे वाला आएगा वो 4 meters का ट्रेवल करके आएगा ना, लेकिन 4 meters भी तब हो जब ये सीग्रेट ना करे, सीग्रेशन ना शो करे, सीग्रेशन मतलब ये वो ना हो, टूटे ना, चूरा सा ना हो जाए, तो वो ना हो, तो वो ही इसमें लिखा हुआ है. This technique is very much suited for underwater construction and repair work of mass concrete structures such as dams, spillways, etc. वो ये कि underwater में जब आप dams वगैरह होते हैं तो उसकी construction के लिए सबसे easiest method यही होता है, इसमें क्योंकि labor वगैरह भी कम होती है और सब अच्छे से हो जाता है. The pre-packed concrete is known to be exhibit lower drying shrinkage and higher durability. वो ये कि इसमें lower drying shrinkage है, कि श्रिंक नहीं करता ड्राई होने पे ज्यादा, और हाइयर ड्यूरेबिलिटी, इसमें ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा है. द रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज कम्पेरेटिवली स्लो फॉर द फर्स्ट 2 months, मतलब कि जो हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो पहले 2 महीने के लिए तो बहुत थोड़ी मतलब कम होती है, थोड़ी कम आती है, मतलब कि कम आती है जो नॉर्मल कंडीशन में होती है उससे थोड़ी सी तो कम देर में आती है, लेकिन द इवेंचुअल स्ट्रेंथ आर अबाउट द सेम एज द फॉर नॉर्मल कंक्रीट, मतलब कि लेकिन 2 महीने के बाद सेम स्ट्रेंथ हो जाती है जो कि एक नॉर्मल कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं पानी के ऊपर जहाँ मर्जी भी. तो ये था हमारा, ये देखो ये पूरा ग्राउटिंग था, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्री पैक्ड कंक्रीट.
प्री पैक्ड कंक्रीट। तो ये थे हमारे कुछ चार मेथड्स इसके अंडर वाटर के। देखो प्लेसिंग इन बैग्स, डर्म बकेट प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट है। ट्रीमी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रीमी तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रीमी मेथड होता ही क्या है। ये आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं जब आप सिलेक्शन वगैरह के लिए जाते हो अपने जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो ट्रीमी मेथड भी आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये था हमारा अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और हमारे सिविल इंसाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।